G20 के निमंत्रण पत्र के बाद बदला जाएगा कार्यक्रम का पहचान पत्र। सूत्रों के मुताबिक आईडी कार्ड पर इंडियन ऑफिशियल के जगह भारत ऑफिशियल लिखा जाएगा। इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर उठे विवाद के बीच संबित पात्रा ने शेयर किया पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र, लिखा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इंडिया का नाम बदलने पर जोरदार सियासत, कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जताई आपत्ति, कहा कि बदल गया देश का नाम। सीएम ममता ने इंडिया की जगह भारत लिखने पर जताई आपत्ति, कहा कि अचानक देश का नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई। गठबंधन का नाम भारत रख लेते तो क्या वो बदल देंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल का निशाना। शरद पवार ने कहा कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने से सत्ताधारियों में बेचैनी, नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं। भारत पर सवाल पूछने पर बचते दिखे आरएसएस चीफ मोहम्मद भागवत, कहा कि हमको नहीं पता। दिग्विजय सिंह की बीजेपी को सलाह, बीजेपी वालों को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। कांग्रेस नेता भवन खेड़ा बोले कि पीएम मोदी को इंडिया शब्द से दिक्कत हो गई इसलिए बदल रहे हैं नाम। हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की संपत्ति नहीं है, आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। इंडिया शब्द हटाने की बात पर आरएसएस ने की आप सांसद संजय बोले, सरकार संविधान से इंडिया को हटाने की कोशिश कर रही है। पहले वोट फॉर इंडिया कहते थे, अब बदल रहे हैं देश का नाम, तेजस्वी का बीजेपी पर निशाना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी के मन में इंडिया के लिए नफरत पैदा हो गई है, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार नहीं, आजादी के बाद इन्होंने संविधान सबसे ज्यादा तोड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रपति के भारत नाम की प्राथमिकता देने से खुशी, ये बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पीएम से सवाल, स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया नाम क्यों रखे। भारत नाम पर अमिताभ बच्चन ने जताई खुशी, ट्वीट करके लिखा भारत माता की जय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बीसीसीआई से अपील, वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर लिखा हो भारत, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। पीएम मोदी आज से दो दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर, जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, भारत आसियान संबंधों की समीक्षा, भविष्य की दिशा करेंगे तय। आसियान में भारत के राजदूत जयंत खोबरगड़े ने कहा कि G20 से एक दिन पहले पीएम मोदी की यात्रा भारत के लिए आसियान की अहमियत को बताती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की बैठक में होंगे शामिल, व्हाइट हाउस से 7 सितंबर को राष्ट्रपति के दौरे की पुष्टि। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की 8 सितंबर को होगी द्विपक्षीय मुलाकात, 10 सितंबर को G20 के आधिकारिक सत्र में लेंगे हिस्सा। G20 के लिए भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, 9 से 10 सितंबर को रहेंगे दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने G20 समिट के लिए जारी की अधिसूचना, 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली को छोड़कर बाकी बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार भी 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे। दिल्ली में G20 समिट से पहले एक्शन में पुलिस से यूसुफ सराय इलाके में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस ने कार बाइक चालकों को रोककर तलाशी ली, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की जांच की। G20 समिट से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई पेट्रोलिंग, दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट और आरपीएफ ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। पुलिस की टीम ने ट्रेनों में जांच की, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चलाया तलाशी अभियान, सुरक्षा के आदेश भी दिए। G20 के दौरान NDMC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी, 441 CCTV कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। G20 समिट से पहले सजाया गया भारत मंडपम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुआ। भारत मंडपम में लगाई गई 22 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है, 20 टन की प्रतिमा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि G20 देश के लिए गौरव का विषय, समिट पर टिकी दुनिया की नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, राम मंदिर निर्माण की सौंपी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए, होटल, लॉज और पार्किंग का इंतजाम करने के लिए भी कहा। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच राम मंदिर म्यूजियम बनाने पर भी चर्चा हुई, दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। इंडिया अलायंस के सभी 24 दल संसद के विशेष सत्र में लेंगे हिस्सा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 24 विपक्षी दल की तरफ से सोनिया गांधी लिखेंगी पीएमओ को पत्र, विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछेंगी। खड़गे के घर पर देर रात तक चली इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक, ललन सिंह, डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव और संजय सिंह सहित गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया, मोदी सरकार पर कांग्रेस का निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस की रणनीति समिति बैठक हुई, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में खींचतान, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने पार्टी हाईकमान से की भूपेंद्र हुड्डा की शिकायत। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं उससे पार्टी के वर्कर्स में भारी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज रायसेन दौरा, सांची बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी। सीएम शिवराज सिंह सांची सोलर सिटी प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण, कार्बन उत्सर्जन कम करने पर सालाना 7 करोड़ की बचत का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी, विधानसभा की 42 सीट में होगी यात्रा।
55 से ज्यादा रथों वाली यात्रा में तय की जाएगी 2000 किलोमीटर की दूरी। 31 बड़ी सभाओं सहित 12 रैली और रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का आरोप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया यात्रा पर पथराव। बीडी शर्मा के मुताबिक यात्रा की सफलता से घबराई कांग्रेस, प्लानिंग के तहत पेड़ों के पीछे चिपकर पथराव हुआ। एमपी के शिवपुर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया रोड शो, भारी तादाद में लोग यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान सिर्फ नफरत का सामान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया। एमपी के मंडला में बोले गृह मंत्री शाह, बीजेपी ने किया हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान। गृहमंत्री अमित शाह ने कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ, कहा कि सीएम दफ्तर में होता था पैसे वसूलने का काम। रायपुर में 12 सितंबर से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे बोले सरकार ने 4 दिन में नहीं निकाला हल तो खाना पीना बंद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीएसएल के टावर पर चढ़ा सख्त, सरकार से की मराठा आरक्षण देने की मांग। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में टीडीपी और वाईआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, गाड़ियों के शीशे टूटे, कई लोग घायल हुए। अगरतला में चुनावी हिंसा में बीजेपी के 10 कार्यकर्ता घायल, 3 की हालत नाजुक, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वाराणसी के लक्सा इलाके में एक होटल में लगी आग, 2 फ्लोर में तेजी से आग फैली। होटल में मौजूद लोगों को फायर फाइटर्स की टीम ने बाहर निकाला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। होटल की आग से रिहायशी कॉलोनी में अफरा तफरी मची, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के छपरा में आकाशीय बिजली का कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बारिश के दौरान खेतों में गए थे सभी लोग, सभी परिवार पर आफत बनकर गिरी बिजली। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, इम्फाल ईस्ट के संचलोक में इलाके में कई घरों को किया गया आग के हवाले। गांव वालों का आरोप, कुकी समुदाय के लोगों ने घटना को अंजाम दिया, गांव में बढ़ाई गई चौकसी। यूपी के लखनऊ में वकीलों को प्रदर्शन, सड़कों पर पुतला फूंक कर, हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। लड़ीगढ़ में सड़कों पर उतरे वकील, पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा की शुरुआत हुई, कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ सिमरिया मंदिर में पूजा की। तेजी से चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल के निर्माण का काम, ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। गुजरात के राजकोट में जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन किया गया, भारी संख्या में मेले में शामिल हो रहे हैं लोग। जिला प्रशासन ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, 5 दिनों तक चलने वाली है। राज्य सरकार के मंत्री ने मेले का उद्घाटन किया। उत्तर पश्चिम सीरिया के गांवों पर भारी बमबारी, रूस समर्थित सरकार की ओर से विद्रोही के ऊपर हमला हुआ। बमबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं, रूस और सीरिया की सरकार ने बमबारी पर चुप्पी साधी। फ्रांस में हिजाब बैन के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान, कुछ पब्लिक स्कूलों में वर्दी या ड्रेस कोड के साथ होगा इस्तेमाल। चीन के हाकोई में चक्रवाती बारिश का कहर, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में चक्रवाती बारिश और तेज हवा का कहर, ब्लैक सी में 2 मीटर से ज्यादा लहरें उठी। बुल्गारिया की अरप्पा इलाके ब्लैक सी के किनारे बना रिजॉर्ट तबाह हुआ, कई गाड़ियां समुद्र में बही। रिहायशी इलाकों में सड़कों और घरों में भरा पानी, अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर। ग्रीस में दिखा बाढ़ का दिल दहलाने वाला मंजर, कई इलाकों में सड़कों पर दिखी पानी की तेज रफ्तार। तटीय इलाकों में सड़कों पर खड़ी कार बहकर समुद्र में पहुंची, तभी तक बाढ़ में 1 शख्स के मारे जाने की खबर। स्पेन में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग लापता। आरबीआई दरों को 4% पर लाने की कोशिश में जुटा है, शक्तिकांत दास का बयान। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम काफी बेहतर है, मौद्रिक नीति का संचालन मतलब गड्ढों से भरी सड़क पर कार चलाने जैसा है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कैप्टन, हार्दिक पांड्या उप कैप्टन। केएल राहुल की टीम में वापसी, बैटिंग में विराट, शुभमन, श्रेयस, ईशान, सूर्य कुमार यादव पर होगा दारोमदार। शमी, बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। स्पिन के लिए रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मौका। तिलक वर्मा और संजू सैमसन को टीम में नहीं मिली जगह, चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने ऐलान किया। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन पर बोले रोहित शर्मा, खिलाड़ियों की करंट फॉर्म और टीम बैलेंस का ध्यान रखा गया है। रोहित शर्मा ने कहा कि लोअर मिडिल ऑर्डर पर अच्छी बैटिंग की जरूरत है, पेस ऑलराउंडर के तौर पर पांड्या, शार्दुल और स्पिन ऑलराउंडर्स के तौर पर अक्षर, रविंद्र जडेजा को चुना गया। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले कैप्टन रोहित शर्मा, टीम के सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल। एशिया कप के सुपर 4 शेड्यूल में बारिश के कारण बदलाव, कोलंबो से हम्बनटोटा में शिफ्ट किए जाएंगे मैच। एशिया कप के सुपर 4 में 10 सितंबर को होगा भारत पाकिस्तान का मैच, ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के खाते में 3-3 पॉइंट। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान को श्रीलंका ने 2 रन से हराया, सुपर 4 की जगह एंट्री। श्रीलंका ने 292 रन का दिया था टारगेट, अफगानिस्तान की टीम ने 289 रन पर ऑल आउट। श्रीलंका की टीम ने रचा इतिहास, लगातार 12वीं बार विपक्षी टीम को किया ऑल आउट।
शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान तोड़ सकती है पठान का ओपनिंग रिकॉर्ड, पहले दिन 65 से 70 करोड़ की कमाई की संभावना। करीना कपूर की अगली सस्पेंस थ्रिलर जाने जा का ट्रेलर रिलीज किया गया, 31 सितंबर को ओटीटी पर आएगी।